हेलो एवरीवन, मैं सुनीता यादव आज आपको हिंदी व्याकरण में वाक्य विषय के बारे में बताऊंगी। वाक्य क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको जानने के लिए आइए आप बोर्ड को देखेंगे। अब वाक्य क्या होते हैं, अब वाक्य के लिए इसकी परिभाषा जो लिखी गई उसे ध्यान से देखें। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित होता है व्यवस्था से लिखा जाना शब्दों का, और सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हीं का समूह वाक्य बनाता है। अब आता है इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे एक उदाहरण के लिए हमने लिया सेंटेंस, देखे ध्यान से, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, राम रहा पढ़ है। अब ये जो वाक्य लिखा है ये आपके अनुसार क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य गलत लिखा गया है, क्योंकि इसके जो पद थे वो सही नहीं लिखे गए हैं। अब इसकी जो सार्थक नहीं है ना ही व्यवस्था से है। अब देखो इसको व्यवस्थित रूप में लिखने से ये सेंटेंस सही बनेगा, राम पढ़ रहा है। तो ये व्यवस्थित रूप में लिखने से ही जब शब्दों को हम व्यवस्था से लिख देंगे तो वो वाक्य कहलाएगा। अब आता है जो राम पढ़ रहा है ये वाक्य बन गया। अब आता है इसके बाद वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। अब वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, अब उनके नाम देखो क्या होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब इन दोनों की परिभाषा सुने ध्यान से। उद्देश्य क्या होते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात की जा रही है वाक्य के अंतर्गत, वो उद्देश्य होते हैं। और विधेय क्या होता है? वाक्य में जो उद्देश्य है उसके बारे में जो बताएगा वो विधेय बताएगा। अभी ऊपर जो एक एग्जांपल लिखा गया है, ये एक उदाहरण देखें जो मैंने लिखा है अभी बोर्ड पर, राम पढ़ रहा है, इसी को समझ लीजिए यहाँ पर दोनों भेदों को एक्सप्लेन करने के लिए कि राम है हमारे लिए ये क्या है, ये राम हमारे लिए उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। अब जो पढ़ रहा है, ये पढ़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? राम। तो ये जो बच गया ये विधेय था। विधेय किसके बारे में बता रहा है? उद्देश्य के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा था उद्देश्य और विधेय। वाक्य को दो अंगों में बांटा गया है। अब आता है वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है, उसको देखें बोर्ड पे। पहला है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो इस प्रकार है। देखो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है सरल वाक्य, ठीक है, और दूसरा जो वाक्य है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है, और जो तीसरा जो भेद है इसका उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तीसरा जो भेद है उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अब देखो पहला भेद है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए सुने इसकी परिभाषा को सुने कि सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही क्रियापद हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब इसके लिए उदाहरण ले देती हूँ, जैसे बच्चा पढ़ता है। अब एक एग्जाम्पल था बच्चा पढ़ता है, ठीक है, ये एक ही क्रियापद हुआ, इस वाक्य के अंदर एक ही क्रियापद है तो ये क्या बन गया? सरल वाक्य। अब आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होता है दो वाक्यों को जोड़ने, जहाँ दो क्रियापदों को किसी योजक के साथ जोड़ा जाए। जैसे के लिए यहाँ दो वाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी बात हो सकती है कि दो बातों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह। अब लिखा यहाँ बच्चा पढ़ता है और लगाया, जैसे बच्चा पढ़ता है और उसका दोस्त खेलता है। यहाँ जो दो बातें थी अलग अलग, खेलना और पढ़ना, हम दो क्रियाओं किसने जोड़ा? और ने। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। इसके अनुसार और भी हो सकता है, उसे जाना था परंतु जा। सुनो अब ये वाक्य था, इसके अंतर्गत एक और वाक्य बनाते हैं। जैसे इसके साथ और लगाया था, इसमें कई सारे योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और या लेकिन परंतु इसलिए। अब वर्षा जैसे एग्जाम्पल है, मैच रोकना पड़ा क्योंकि वर्षा होने लगी, क्योंकि रीजन आ गया यहाँ, क्योंकि वर्षा होने लगी। तो ये जो वाक्य थे, जो ये दो वाक्य हैं, ये अलग अलग जो बात है उसको किसने जोड़ा? योजक चिन्हों ने जोड़ा। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका, ठीक है, क्योंकि इसलिए परंतु, इन सब वाक्यों का जो प्रयोग किया जाता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है।
ठीक है, अब आता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक वाक्य क्या होता है, प्रधान, और जो दूसरा वाक्य होता है वो उपवाक्य उस प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे कि माँ ने कहा कि वह बाजार जाएगी, वह बाजार जाएगी। ठीक है, ये जो की था और ये जो बाजार जाने की जो बात थी वो किसने कही, माँ ने। तो ये जो वाक्य है माँ ने कहा कि वह बाजार जाएगी, ये जो वाक्य है ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत एक और तरह का वाक्य भी आता है, इसमें की का प्रयोग से भी वाक्य हो सकता है, और एक आता है जैसे, जैसे ही घंटी बजी छुट्टी, वैसे ही छुट्टी हो गई। तो ये जैसे और वैसे का जो प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत होता है ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ये तो तीनों जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की जो पहचान के जो उदाहरण थे, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, जो वाक्य का हमने टॉपिक पढ़ा जो बच गया उसको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।